बजेगी, स्टेज सजेगा, ताली बजेगी, अब खेल चलेगा। लाहौर तैयार है इंशाल्लाह। लाहौर तैयार है, लाहौर इज सो डैम एक्साइटेड। लाहौर तैयार है, क्रिकेट का हर दीवाना बेकरार है, हर तरफ टिकट दो की पुकार है, बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतार है, शहरियों को क्रिकेट बुखार है, टिकटों के लिए 100 बीमार है तो सिर्फ एक अनार है, शहर में जहां टिकट बिकते दिखाई दिए दीवानों की अलगार है, कहीं हाथ आ पाई तो कहीं तू तकार है। फाइनल का टिकट है या लॉटरी का टिकट, जिसे मिल गया वो माला माल है। लैया से आई खातून भी टिकट हासिल करके खुशी से निहाल है। सारी रात नहीं सोई, सुबह 7 बजे से लाइन में लगी थी, टिकट मिलने पर पुरजोश एक मोहम्मद शहरी ने खूब धमाल डाली। कहते हैं ये 12,000 वाली टिकट मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। टिकट नहीं मिलता सवेरे 6 बजे से, तक इधर खड़ा। जब बारी आती है तो कहते 4,000 की हो गई है, 4 के कुछ घर से मांग मांग के पैसे लाते हैं, वो कहते हैं 8,000 की हो गई है। जिसे टिकट नहीं मिला उसके चेहरे पर अफसुर्दगी और मलाल है। मुल्क भर से लोग लाहौर उमड़ आए, मकसद टिकट का हुसूल। शहरियों की कतार में सुबह, कतार में शाम, खुशकिस्मत था जो टिकट ले उड़ा, अक्सर रहे नाकाम। 25,100 टिकट एक ही दिन में फरोख्त, ऑनलाइन टिकट चंद घंटे में बिक गए। कोयटा ग्लेडिएटर्स के 4 गैर मुल्की क्रिकेटर्स का लाहौर आने से इनकार है तो मुतबादल प्लान भी तैयार है। इंतजामिया का नई ड्राफ्टिंग का फैसला, नजम सेठी कहते हैं फाइनलिस्ट टीमों में 4-4 गैर मुल्की होंगे। शहरियार बोले कोई गैर मुल्की नहीं आ रहा तो दूसरे आ जाएंगे। ग्लेडिएटर्स के मेंटो रिचर्ड्स और फाउंटेन लाहौर आएंगे। लाहौर तैयार है तो सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस भी तैयार हैं। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का वजीर आला पंजाब को फोन, फाइनल की सिक्योरिटी के लिए ताउन की यकीन दहानी। इजाफी स्टेडियम की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले, 4 कंपनियां 5 मार्च को PSL फाइनल तक ड्यूटी देंगी। डीजी रेंजर्स का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। यूनाइटेड टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, पिशावर जलमी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोयटा ग्लेडिएटर्स मेरी बहुत फेवरेट टीम है। PSL बाहर है तो मुल्क भर में क्रिकेट बुखार है, हर कोई अपनी पसंदीदा टीम की सपोर्ट के लिए तैयार है। किसी को ग्लेडिएटर्स है पसंद तो किसी को किंग्स से प्यार है, कोई जलमी का फैन तो कोई यूनाइटेड का परिस्तार है। नौजवान अपनी पसंदीदा टीमों की शर्ट्स भी खरीदने में मसरूफ। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा प्लेऑफ, एक्शन से भरपूर गेम ऑन। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने। यूनाइटेड की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, फातेह टीम फाइनल में रसाई के लिए जलमी से मुकाबला करेगी। ग्लेडिएटर्स फाइनल में जगह बना चुकी, नवाज का जालिमाना आखिरी ओवर, फतह जलमी से छीन ली। ECO बैंक और इंश्योरेंस कंपनी फाल, तजारती तावुन बढ़ाया जाएगा, इक्तसादी राहदारियों के जरिए रुकन मुल्कों को जोड़ा जाएगा। इक्तसादी राबता तंजीम ने विजन 2025 की मंजूरी दे दी, ऐलान इस्लामाबाद जारी। वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं के एजाज में सहराना, पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट जारी किया। वज़ीर आला सिंध को कराची के मुज़फ़ाती इलाकों का ख्याल आ ही गया। मुराद अली शाह का मलीर का दौरा, सहाफियों के 7 धमाके के बाद बिजली बंदिश के सवालात पर गुस्से से लाल पीले हो गए, बाकी की तहकीकात का कहकर बात टाल दी। IG का कहना है कि 7 धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। कराची पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम, फरवरी में 34 शहरी गोलियों का निशाना बने, शहरी 111 गाड़ियों से महरूम हुए, 134 मोटरसाइकिल और 1,000 मोबाइल फोन भी छीने और चोरी किए गए, CPLC रिपोर्ट में इंकशाफ। कराची में MQM के कारकुन नदीम अंसारी की नमाज जनाजा अदा, आमिर खान समेत कई रहनुमाओं की शिरकत। अजय इजहार कहते हैं धमकियों से वफादारियां बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। फैसल सब्जवारी बोले नदीम 22 दिसंबर को गिरफ्तार हुआ, 4 दिन पहले लाश फेंक दी गई। MQM रहनुमाओं की कंपनी एरोलोब और शेल पाकिस्तान ने कौमी खजाने को 2.5 अरब का चूना लगा दिया।
फोर्सेस के नाम पर पेट्रोल सस्ता लेकर मार्केट में बेचा। एरोलो वासे जलीम के चचा अरशद और कीश्वर जाहरा के बेटे जीशान की मिल्कियत नैब ने शवाहिद हासिल कर लिए। रेफरेंस दायर करने के लिए नैब हेड क्वार्टर्स को इरसाल। रावलपिंडी के नवाही इलाके टेक्सला में दरिंदगी की इंतहा। पांचवीं क्लास की बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। आयशा की लाश दो दिन बाद एक पुल के नीचे से मिली। पुलिस ने शक पर दो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। कामरान और तैमूर का बच्ची के अगवा, ज्यादती और कत्ल का एतराज। 20,000 में दरामद होने वाला स्टंट अब 2.5 लाख में नहीं बिकेगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नया फॉर्मूला दे दिया। स्टंट की दरामदी कीमत पर मुनाफे की शरह ज्यादा से ज्यादा 50% तक होगी। 92 न्यूज का मामला उठाने पर स्टंट्स की कीमतों को ब्रेक लग गई। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी कांग्रेस से पहला खिताब। फौजी बजट बढ़ाने का इंदिया दे दिया। बोले अमरीका को शिद्दत पसंदों की आमाज का नहीं बनने देंगे। अमरीकी सदर ने मुजाहिरों के डर से दौरा बरतानिया अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। दौरे के खिलाफ 17 लाख अफराद ने ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत किए थे। और इटली के मशहूर पहाड़ माउंट एटना से लावा निकलने का अमल जारी। लावा फूटने से एक दिलकश नजारे ने जन्म लिया। लावा पीर की सुबह 7 बजे निकलना शुरू हुआ। महकमा अर्जियात के मुताबिक लावा से मकामी आबादी को कोई खतरा नहीं।